क्या बीवी के ऊपर, ये बड़ा हमारा सोशल मसला है, घर इस पे उजड़ते हैं, क्या बीवी के ऊपर शौहर के बाप और शौहर की माँ की खिदमत शरण फर्ज है? अगर वो इनकार करती है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है यार, मैं तुम्हारी खिदमत कर लूँ, बड़ी बात है, तो क्या वो शौहर पाबंद कर सकता है और क्या वो बीवी गुनाहगार होगी? अगर बीवी अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करती है ना, तो सआदतमंद औरत है, सआदतमंद औरत है, खुश नसीब है, खुश किस्मत है उसको। अगर अल्लाह ने उसको ताकत दी है तो दिल की खुशी से उसको उनकी खिदमत करनी चाहिए, ऐसे ही करनी चाहिए जैसे वो अपने माँ बाप की खिदमत करती है। माँ बाप की खिदमत वो दिल की खुशी से करती है, तो ये भी उसके एक किस्म के माँ बाप हैं, माँ बाप है। जो इसके खामद के माँ बाप हैं। इससे जो है ना, वो ज़ौजैन के दरमियान उल्फत, मोहब्बत, मुवद्दत ये बढ़ती है। ख़ानदान झगड़ों से बचा रहता है, तो बेहतर और अफजल यही है। लेकिन अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने इस औरत पर यह फ़र्ज नहीं किया है। अगर उसके पास इस्तेआत नहीं है, वो नहीं कर सकती, उसके बस का रोग नहीं है, तो खामद ज़बरदस्ती उसे करवाने का हक नहीं रखता है शरीयत तौर पर। अफजल है कि वो करेगी तो अगर वो ज़बरदस्ती करवाता है तो वो ज़्यादती करता है, ज़्यादती करता है। ये जो असल में फ़र्ज जो है ना वालिदैन की खिदमत, वो लड़के पर होती है, अपने वालिदैन की खिदमत लड़के पर फ़र्ज है, उसकी बीवी पर फ़र्ज नहीं। वो अगर कोऑपरेट करती है तो यकीनन नज़र की बात।